शहर में 65 करोड़ रुपए की लागत से सिवरेज प्रोजेक्ट का कार्य लगभग अंतिम दौरे में पहुंच गया है। सिवरेज प्रोजेक्ट के दोनों ट्रीटमेंट प्लांट ट्रायल पर चल रहे हैं। अधिकारियों की माने तो आने वाले 15 दिनों में ट्रीटमेंट प्लांट में गंदा पानी साफ होने लगेगा। बता दें कि करीब 4 बार टाइम लिमिट बढ़ाने के बाद आखिरकार सिवरेज प्रोजेक्ट का काम पूरा होता नजर आ रहा है। पिछले कुछ दिनों से नीमच सिटी रोड पर मुक्ति धाम और रावण रुंडी के पास बनाए गए सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की ट्रायल चल रही है। हालांकि जब तक मुंबई टीम निरीक्षण कर ओके रिपोर्ट नहीं देती तब तक सिवरेज प्लांट में सिर्फ ट्रायल ही चलेगी। इधर अधिकारियों को उम्मीद है कि जल्द ही टीम नीमच पहुंचेगी और निरीक्षण करेगी। इस मामले में नगर पालिका स्वास्थ्य अधिकारी का कहना है कि दोनों ट्रीटमेंट प्लांट में पीपिंग शुरू हो गई है, जल्द ही गंदे पानी को साफ करने की कवायद शुरू हो जाएगी। करोड़ की लागत से बने सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में गंदे पानी को साफ करने के बाद उस पानी का किस तरह उपयोग किया जाएगा, इसको लेकर अभी कोई भी योजना का खुलासा नगर पालिका द्वारा नहीं किया गया है। हालांकि पूर्व में तत्कालीन नगर परिषद ने निर्णय लिया था कि गंदे पानी को साफ करने के बाद उसका उपयोग शहर के बाग बगीचों में पेड़ पौधों की सिंचाई में किया जाएगा।